हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मैथ में सबसे पहला चैप्टर हम लोगों को कौन मिलेगा? ट्रिगोनोमेट्री। देखो हाँ, एंगल उस दिन बता दिए थे ना, एंगल कब बनता है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है? त्रिकोण की है चरे, त्रिकोणमिति। अच्छा, त्रिकोणमिति कब लगता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम त्रिकोणमिति का अप्लाई करते हैं, मतलब बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया गया। ठीक है, देखिए त्रिगोनोमेट्री जो होता है, यह हमारे बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करने लगे? त्रिगोनोमेट्री का। किसका यूज करने लगे? त्रिगोनोमेट्री, तब हमको इनकी आवश्यकता पड़ी। तो त्रिगोनोमेट्री कब लगता है और कहाँ लगता है, उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? इसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा आपको? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण ए बी और सी। मान लेते हैं एक कोई त्रिभुज है जिसका कोण, एक कोण कितना है? 90 डिग्री है, और यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? यह समकोण त्रिभुज है, और जिसमें कि एक कोण ये कोण है और एक कोण ये कोण है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बाबू? अगर यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो अन्य दो कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? बस आपको यही पता है, जो तीन कोण से घिरा उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण से तो बहुत सारे त्रिभुज घिरे होते हैं। कौन है? समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और अदर अदर बहुत सारे त्रिभुज हैं। तो वहाँ आपको ये नहीं है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब देखिए इस कंडीशन में सबसे पहला हमको क्या चाहिए? समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? एक पाइथागोरस था, उन्होंने बताया कि ये बड़ी भुजा जो किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, वह अन्य दो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? उन्होंने क्या बोला है पाइथागोरस ने, कि किसी समकोण त्रिभुज की, किसकी? किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। अब हमको इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लंब, सॉरी इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको लंब, और इसको आधार। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में क्या लिखते हैं? H हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर, और इसको बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब देखिए तो AC क्या है आपका? H, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा? AB का स्क्वायर। AB क्या है? देखिए तो P है ना, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये आपका किसका निकल गया? H बराबर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्या चीज़ में होगा? रूट में। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसको निकालने का फॉर्मूला है? कर्ण को निकालने का। किसको निकालने का? कर्ण को, जहाँ H क्या है? कर्ण है। अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं किसका, P निकालने का और BC। जैसे हम लोग को निकालना है P निकालना है, तो P पहले हम लोग, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं? H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना। अब हमको इसमें से आपको क्या निकालना है? H तो हमको निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया, वही चीज़ अगर हमको P बोलेगा निकालने, तो P हम बराबर क्या करेंगे? P स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये जोड़ में इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P बराबर क्या होगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग तरह तरह का फॉर्मूला अप्लाई करके यूज करके निकाल सकते हैं, और इसी टाइप से सेम B निकल जाएगा, तो यहाँ पर भी वही होगा,
देख लीजिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बी बी चाहिए ना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए तो बाबू, ये इसके साथ जोड़ में इधर जाएगा क्या चीज़ में होगा, घटा में होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर क्या होगा रूट उधर स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लिख लीजिए इसको जल्दी से। कहाँ चला मनीष?